नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। टोक्यो ओलंपिक के खत्म होते होते भारत की झोली में आखिरकार गोल्ड मेडल आ ही गया। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने नया इतिहास रच दिया है। पूरा देश नीरज की ऐतिहासिक उपलब्धि पर जश्न मना रहा है। नीरज ने कहा कि ये पल उनके लिए भी अविश्वसनीय है। उन्होंने अपना मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। आज टोक्यो ओलंपिक का समापन है। भारत ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते हैं। ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 गोल्डन टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचने के बाद कहा, दूसरा थ्रो करते ही वो समझ गए थे कि ये उनका बेस्ट है। उन्होंने अपना 100% दिया। अब उनका अगला लक्ष्य 90 मीटर दूर भाला फेंकने का होगा। नीरज ओलंपिक की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज से पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने 13 साल पहले 2008 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल जीतना भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है। ओलंपिक के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का ये पहला मेडल है। इससे पहले एथलेटिक्स में 1960 में मिल्खा सिंह और 1984 में पीटी उषा चौथे नंबर पर रही थी। नीरज ने अपना गोल्ड मेडल 2 महीने पहले दुनिया को अलविदा कहने वाले मिल्खा सिंह को समर्पित किया। नीरज ने कहा, वह स्वर्ग से देख रहे होंगे। नीरज मेडल के साथ उनसे मिलना चाहते थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरे देश के साथ सेना भी जश्न मना रही है। जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज भारतीय सेना में 4 राजपुताना राइफल्स में सूबेदार हैं। नीरज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी प्रमुख जनरल MM नरवणे और CDS बिपिन रावत ने भी बधाई दी है। देश को पहली बार एथलेटिक्स में मेडल दिलाने वाले गोल्डन बॉय को PM मोदी ने फोन कर बधाई दी। PM मोदी ने नीरज से कहा, आपने देश का नाम रोशन किया है और युवा पीढ़ी को खेल के क्षेत्र में आगे आने का मंत्र दिया है। 15 अगस्त को PM मोदी टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों के साथ हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे। नीरज की ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरा देश जश्न मना रहा है। हरियाणा के पानीपत में उनके घर पर पूरा परिवार भी जश्न में डूबा है। नीरज के पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। इस मेडल के लिए उसने बहुत मेहनत और त्याग किया है। जैसे ही नीरज ने भारत को पहला गोल्ड दिलाया, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी खुशी में भांगड़ा करने लगे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर इनामों की बरसात जारी है। हरियाणा सरकार नीरज को 6 करोड़ रुपए की राशि के साथ क्लास 1 की नौकरी देगी। उन्हें पंचकुला में बनाए जाने वाले सेंटर ऑफ एथलेटिक्स का हेड भी बनाया जाएगा। पंजाब सरकार ने भी नीरज को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। BCCI भी नीरज को 1 करोड़ देगी। इसके अलावा मणिपुर सरकार और चेन्नई सुपर किंग्स भी 1 करोड़ देगी। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कानून मंत्री बनने से पहले खेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके किरण रिजिजू ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कुछ इस अंदाज में जश्न मनाया। टोक्यो ओलंपिक के समापन से 1 दिन पहले भारत के खाते में 2 मेडल आए, जिसमें से 1 मेडल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने देश की झोली में डाला। पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। PM मोदी ने फोन पर पुनिया को बधाई देते हुए कहा, आपने मेहनत और लगन से ये उपलब्धि हासिल की है, इस पर हर भारतीय को गर्व है। खेल महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक का आज समापन समारोह होगा। समापन समारोह शाम 4:30 बजे से होगा। समापन समारोह परेड में बजरंग पुनिया भारत के ध्वजावाहक होंगे। टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहा। इस बार भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल समेत 7 मेडल जीते। ये अब तक का ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।